हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आई एग्जाम बी आई एम प्रतीक तलदार योर अकाउंट्स फैकल्टी एट आई एग्जाम बी इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की और ई मॉडल की जो कि होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल तो चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं ई सी मॉडल यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल आर ने अपनी प्रेस रिलीज में निकाला था इस मॉडल की हम लास्ट में बात करेंगे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है इसको तीन इंडेस मेजरली कवर करते हैं इंडेस 32, टू इंडियस वन इंडेस 107। इसके कुछ कुछ पार्ट्स को अलग अलग ये तीनों इंडेस कवर करते हैं सबसे मेन जो इसका पार्ट है वो इंडेस 109 यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कवर्ड है जो कि क्लासिफिकेशन मेजरमेंट इम्पेयरमेंट और डेरिटिव और हेज अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो ये तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसका करस्पॉन्डिंग आई के अंदर आई नाइन है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करता है समझते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक पार्टी के पास फाइनेंशियल असेट आती है और दूसरी एंटिटी के पास या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ सकती है या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आती है तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिससे एक पार्टी के पास तो आएगा फाइनेंशियल असेट और दूसरी पार्टी के पास दूसरी एंटिटी के पास या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आएगी या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आएगा पहले हम इन वर्ड्स को समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आखिर होता क्या है तो फाइनेंशियल असेट की एक ब्रॉडर डेफिनेशन दे रखी है आई एफ आरस नाइन के अंदर यहाँ पे इसका मतलब होता है कि या तो फाइनेंशियल असेट कैश होता है या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी होता है अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहां पे आप शेयर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं इक्विटी शेयर्स का से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज के इक्विटी शेयर्स तो अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए हैं तो ये आपके लिए तो फाइनेंशियल असेट है बिकॉज दिस इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी अनदर एंटिटी मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है आपके लिए तो ये फाइनेंशियल असेट है पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उनकी तो इक्विटी हुई और आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है आपके लिए एक फाइनेंशियल असेट है

और नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन फेवरेबल कंडीशन मतलब मैं मेरा फाइनेंशियल किसी से एक्सचेंज कर रहा हूं और उस एक्सचेंज की वजह से अगर मुझे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है यानी कि एक फेवरेबल कंडीशन है तो उस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल असेट हो जाएगा तो ये काफी एक ब्रॉड डेफिनेशन दे रखी है तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल असेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं तो कैश ट्रेड रिसिवेबल यानी कि डेटर्स इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं या डिपॉजिट्स दे रखे हैं तो फिर वो भी आपका एक फाइनेंशियल असेट हो गया इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जैसा हमने देखा था कि अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया है तो ये भी आपके लिए एक फाइनेंशियल असेट हो जाता है या फिर आपने कोई लोन दे रखा है जो आपको फ्यूचर में मिलेगा तो अगेन वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश बन जाएगा तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे फाइनेंशियल असेट के जो हमने देखे अब बात करते हैं क्या क्या फाइनेंशियल असेट नहीं होता है तो फिजिकल असेट्स जैसे कि आपकी इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर आपने कोई ले रखा हो इनटेजिबल आपके पास कोई असेट्स हो तो ये फाइनेंशियल असेट नहीं है अब आपको एक जनरल कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर फिजिकल असेट्स यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टॉक इससे भी तो हमको कैश मिल सकता है ये कभी ना कभी तो कैश में कन्वर्ट हो सकती है या हमको ये कुछ बेनिफिट दे सकती है तो फाइनेंशियल असेट की डेफिनेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्चुअल राइट right होना चाहिए जैसे कि डेटर्स में होता है कि मेरे पास राइट है कि अगर वो डेटर मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं उस पर लीगल सूट फाइल करके पैसे निकलवा सकता हूँ पर फिजिकल असेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है वहाँ पे फिजिकल असेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर आप कोई मशीनरी लेके आ गए तो वो आपको कैपेबिलिटी देती है पैसा जनरेट करने का पर कोई राइट नहीं होता आपका कि उससे पैसा जनरेट हो ही जाएगा वो एक कैपेबिलिटी देती है आपको तो इसी वजह से ये आपका फाइनेंशियल असेट नहीं होता है नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपने कोई पहले ही खर्चा इनकर कर दिया है से फॉर एग्जांपल रेंट का या किसी का तो वो एक फाइनेंशियल असेट नहीं होता है क्योंकि इससे आपका कोई राइट right इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कैश रिसीव होने का या फिर कोई और फाइनेंशियल असेट मिलने का आगे बात करते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तो जैसे कि फाइनेंशियल असेट एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट right होता है वैसे ही फाइनेंशियल लाइबिलिटी एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है जो आपको चुकाना है तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश आपको किसी को कैश देना है मतलब आपके क्रेडिटर्स वो एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएंगे और एनी अदर फाइनेंशियल असेट आपको कुछ किसी और को देनी है अगर आपको कैश नहीं कि कुछ और फाइनेंशियल असेट में भी किसी को कुछ पे करना है आपका ऑब्लिगेशन है तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाएगी या फिर आपस कोई एक्सचेंज हो रहा है फाइनेंशियल असेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी का जो आपके लिए अनफेवरेबल है अगर आपके लिए अनफेवरेबल है तो वो एक लाइबिलिटी बन जाएगी फेवरेबल है तो वो फाइनेंशियल असेट बन जाएगी कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें फाइनेंशियल लाइबिलिटी के तो आपने अगर किसी से लोन लिया है कोई बोरोइंग है या फिर पेएबल्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिनको हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं कोई फाइनेंस लीज लाइबिलिटी आपकी चल रही है या फिर रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो ये आपके फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाती है क्योंकि इसको आपको कभी ना कभी चुकाना ही है आपका ऑब्लिगेशन है वापस कैश डिलीवर करने का इसके बाद अगर बात करें इसके क्लासिफिकेशन का तो इंड एस 109 के अंदर फाइनेंशियल असेट को आप तीन पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम और फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल जिसको हम अमोर्टाइज कॉस्ट एफ वी टी ओ सी आई एफ वी टी पी एल भी कहते हैं ओ सी आई मतलब अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम पी एल मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका एनडीएस के अंदर दो पार्ट में इनकम स्टेटमेंट बनता है सबसे पहला तो आपका पी एंड एल और उसके नीचे ओ सी आई यानी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो फाइनेंशियल असेट को आप इन डेज वन के हिसाब से तीन जगह क्लासीफाई कर सकते हैं या तो एमोटाइज कॉस्ट में या फिर एफ वी में या फिर एफ के अंदर अब इसका क्लासिफिकेशन का तरीका समझ लेते हैं तो एमोटाइज कॉस्ट के अंदर हम इसको कब क्लासिफाई करते हैं तो एक बिजनेस मॉडल टेस्ट होता है आपके बिजनेस का मॉडल क्या है से फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी का बॉन्ड बाय कर रखा है तो बॉन्ड पे आपको फिक्स टाइम पे इंटरेस्ट मिलता है और आपको प्रिंसिपल भी उसका एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद मिल जाएगा तो ऐसे केस के अंदर अगर आपका इंटेंशन है इस फाइनेंशियल असेट को होल्ड करने का ये आपके लिए एक फाइनेंशियल असेट है इसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना तो ऐसे केस में अगर आपका इंटेंशन है कि आप इसकी मेचोरिटी तक आप इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे और लास्ट में प्रिंसिपल इसका रिसीव करेंगे यानी कि इससे रिलेटेड कैश फ्लोज कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज आप मेच्योरिटी तक आप इससे कलेक्ट करते रहेंगे यानी कि आप इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे और बॉन्ड की कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स के अंदर स्पेसिफिक डेट्स लिखी हैं कि कब आपको इंटरेस्ट मिलेंगे कब आपको प्रिंसिपल मिलेगा तो ऐसे केस में ये फाइनेंशियल असेट आप एमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी करेंगे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि आपके डेटर्स तो आप डेटा को मेचोरिटी तक होल्ड करते हैं और आपको पता भी होता है डेटर कब पैसा देने वाला है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स यहाँ पे भी आप इसको मेचोरिटी तक अगर होल्ड करने का इंटेंशन है और आपको पता है कि आपको इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पैसा कब मिलेगा ये फाइनेंशियल असेट तो है ही और आप इसको एमोटाइज कॉस्ट के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं ये एलिजिबल है पर नाउ से फॉर एग्जाम्पल आपने वापस से एक कोई दूसरा बॉन्ड लिया है आप यहाँ पे श्योर नहीं हो कि आप इसको मेचोरिटी तक होल्ड करोगे या नहीं करोगे आप चाहें तो इसको बीच में भी बेच सकते हैं ऐसा आपका इंटेंशन है या फिर अगर आपको नहीं बेचना हुआ तो बाद में देखा जाएगा आप इसको मेचोरिटी तक भी होल्ड कर लेंगे क्योंकि अभी आप श्योर नहीं है इस चीज को लेके कि आप इसको मेचोरिटी तक होल्ड करने वाले हो कि नहीं तो ये कॉस्ट में ना जाके एफ वी टी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर क्लासीफाई हो जाएगा इसके बाद बचता है आपका एफ वीटी पी एल यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे कोई भी ऐसा फाइनेंशियल असिट जो की ओसीआई में नहीं जा रहा है और अमोर्टाइज कॉस्ट में नहीं जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका एफ वी टी पी एल के अंदर ही जाएगा से फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके डेरेवेटिव होते हैं यानी कि फ्यूचर्स ऑप्शंस ये सारे के सारे आपके एफ के अंदर ही क्लासीफाई होते हैं इसके बाद बात करें फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तो यहाँ पे दो ही क्लासिफिकेशन होते हैं ओ का क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं होता है पहला क्लासिफिकेशन अमोर्टाइज कॉस्ट का और दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल का फाइनेंशियल लाइबिलिटी यूजुअली अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही कैरी होती है पर कुछ केसेस में उनको हम एफ के अंदर भी क्लासीफाई कर सकते हैं अगर कोई हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो तो उसको हम एफ में डाल देते हैं बाकी जनरली अमोर्टाइज कॉस्ट पर ही कैरी होती है अब बात करते हैं ई सी एल मॉडल की एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल की तो यहाँ पे आर बी आई ने एक प्रेस रिलीज निकाली थी जिसके अंदर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के फ्रेमवर्क के बारे में बात हुई थी ई सी एल मॉडल ये कहता है कि अभी जो फिलहाल इनकर्ड लॉस के बेसिस पर प्रोविजनिंग की जाती है यानी कि जो लॉस हो चुका है उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं उसको शिफ्ट कर दिया जाए एक्सपेक्टेड लॉस के बेसिस पे आई एग्जाम भी के मेन चैनल पे आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज हुआ था क्रेडिट रिस्क एंड आई आर ए सी नॉम्स के ऊपर इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस भी यहाँ पे प्राची मैम ने समझाया था आप ये वीडियो देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छे से आई आर ए सी नॉम्स और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के बारे में ये समझाया गया था कि अभी जो हमारा फ्रेमवर्क है वो एक इनकर्ड लॉस अप्रोच पे है मतलब पहले लॉस आपको हो जाता है उसकी आप प्रोविजनिंग करते हैं और ई सी एल मॉडल एक्सपेक्टेड लॉस के ऊपर यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है वो प्रिडिक्ट करता है कि आगे हमको क्या क्या लॉस हो सकते हैं तो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है अब जो ई मॉडल का जो प्रेस रिलीज आरबीआई ने निकाला था इसके लिए रेफरेंस आई 9 का यानी कि आपके इन डे एस का ही यूज हुआ है इन डी एस के अंदर भी एक ई मॉडल है जो कि फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट के ऊपर है रैदर देन कि आपको पहले वेट करो कि आपको कब लॉस हो रहा है उसके बाद आप उसका प्रोविजन बनाओ आप पहले ही प्रोविजन बना लो आने वाले लॉसेस का तो ई मॉडल के अंदर तीन स्टेजेस होती है स्टेज वन स्टेज टू और स्टेज थ्री पहली स्टेज में जब आपको आइडिया लगता है कि इसके अंदर कुछ एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है तो हम 12 महीने की प्रोविजनिंग बना लेते हैं मतलब आने वाले 12 मंथ्स के अंदर क्या एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है उसको जज करके एक प्रोविज़न आज ही बना लेते हैं उसके बाद अगर हमको लगता है कि कोई क्रेडिट रिस्क के अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है क्रेडिट रिस्क एकदम से बढ़ गई है तो हम जितना भी लाइफ टाइम उसमें लॉस हो सकता है उसको एस्टिमेट करके आज ही प्रोविज़न बना लेते हैं या फिर अगर हमको कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिल जाए कि क्रेडिट के अंदर काफ़ी बड़ा एक इम्पेयरमेंट हो चुका है ऐसा आने के चांसेस अब कम हो चुके हैं एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिल चुका है ऐसे केस में भी हम डायरेक्टली लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के ऊपर प्रोविज़न बना लेते हैं पहले वाले के अंदर हम बारह महीने का प्रोविजन बनाते हैं प्रोबेबिलिटी यूज़ करके कि अगले बारह महीने में कितना लॉस हो सकता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हो जाए उसके बाद अगर क्रेडिट रिस्क नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लाइफ टाइम लॉस का एक एस्टिमेट बना लेते हैं और उसको बुक कर लेते हैं या फिर अगर कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिल जाए बीच में तो भी लाइफ टाइम ई मॉडल लगाया जाता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ इंडिया वन जीरो नाइन एंड ई सी एल मॉडल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जॉइन आई एग्जाम भी एंड प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट फास्टर